हाथरस में 8 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों में जो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे उसमें कुछ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी की तरफ से यह कहा गया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन अब एक और सवाल अब निजेश अवस्थी जी, वो ये कि पुलिस कह रही है हम जगे हुए हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे आँख कान नाक सब खुले हुए हैं। ये ऐसे खुलते हैं आँख नाक कान कि आपकी नाक के नीचे पत्थरबाजी हो और आप कुछ ना कर पाए? रूबिका जी, देखिए पुलिस की लापरवाही, पुलिस की ढिलाई, ये सब कुछ कहा जा सकता है और इसके लिए पुलिस और प्रशासन जवाब देना चाहिए। मैं पुलिस और प्रशासन को डिफेंड भी नहीं कर सकता हूं और उनकी मजबूरियों का भी बखान करने वाला नहीं हूं मैं उनकी। हो सकता है उनकी कुछ हो, उन्होंने तैयारी तो की होगी कुछ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन रूबिका जी, बात यह है कि मैं मेहताब साहब से, मौलाना साहब से पूछना चाहता हूं कि रोज यहां पर आके कहते थे साहब गंगा जमनी तहजीब है, तो आपकी यही है ना गंगा जमनी तहजीब? पत्थर मारो, माफी मांग ली उसने, उसके बावजूद उसको कहो कि पूरे देश में कहो कि आकर के अराजकता फैलाओ और कहो दो चार लोग हैं और जिनको पकड़ा जाएगा वो निर्दोष, उनको निर्दोष कहा जाएगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि भाई कानून अपना काम करेगा, जिसने पत्थरबाजी की 2-4 लोग थे, शरारती तत्व थे, इन शरारती तत्वों के बारे में आप ही लोग बैठ करके यहां कहोगे कि ये सारे निर्दोष थे, इनका कोई कसूर नहीं था। मेहताब उस्मानी साहब, ये चलने वाला है नहीं, होगा ऐसा? भारतवर्ष जब पकड़ लेंगे तब आप कहेंगे कि ये मासूम बच्चे हैं। हमारे कहने से क्या पुलिस प्रशासन उनको निर्दोष साबित कर देगा या कोर्ट निर्दोष साबित कर देगा? हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, वो प्रशासन अपना काम करेगा। अगर मैं कहूँ सारे निर्दोष है तो आप मान लेंगे या पुलिस प्रशासन मेरी बात मान लेगा, मतलब अब, या मौलाना की बात मान लेगा? कह रहे हैं हम तो कहेंगे उनको जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे, फिर आप इनको छुड़वाने के लिए? नहीं नहीं, मैं रूबिका 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 मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद आप इनको छुड़वा, अरे सुन तो लीजिए ना बीच में, इसके बाद आप इनको छुड़वाने के लिए पत्थरबाजी करेंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर उसमें पत्थरबाजी होगी, कुछ शरारती तत्व आ जाएंगे कि हम तो निर्दोषों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, हम तो निर्दोषों को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सर मेहताब साहब, मैं आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप आपको मालूम है पिछले दिनों ज्ञान व्यापी में, सुन तो लीजिए ना आप, सुन सुन, अरे सुन तो लीजिए ना, अरे मेहताब साहब रुकिए, मैं आपको मौका दूंगी, पहले आप सुन लीजिए। रूबिका रूबिका मेहताब सवाल पूछो, मेहताब साहब मेहताब साहब, मैं आपसे मेहताब साहब बहुत ही विनम्रता से जानना चाहता हूं, पिछले दिनों आपको मालूम है कि शिवलिंग पर बहुत सारे लोगों ने बहुत भद्दी टिप्पणी की, बहुत मजाक बनाए, बहुत घटिया हरकतें की, आपको पूरे देश में से कहीं भी आपको पत्थरबाजी की कोई घटना याद आती है क्या? हुआ होगा तो सोशल मीडिया पर कहा गया होगा, बयान आए होंगे, ये सब कुछ हुआ, कहीं से पत्थरबाजी आई, किसी ने कहा कि हम इसका गला काट देंगे, हम इसका, यहां तक कहा कि एक तो मैं सुन रहा था कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं नूपुर शर्मा से मुजरा करवाऊंगा, ये तक बोल रहे हैं। अब बताइए मेहताब साहब, आप बताइए गंगा जमनी तहजीब है क्या ये? अभी भी आप इसको गंगा जमनी तहजीब कहेंगे क्या? ये तो आप मानते हैं ना कि शिवलिंग, आप माने या ना माने, आप माने या ना माने, लेकिन जिन लोगों ने, लेकिन हाँ जो आप बात कह रहे हैं उसका जवाब, उसका जवाब नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप ना माने, आप ना माने, आप ना माने, मैं ये हक मानता हूँ, सामने आया वैसे ही गुस्ताखे शिव का भी मसला सामने आया। लेकिन क्या सोमवार को शिव जी की आरती के बाद आपको पत्थर पकड़े शिव भक्त नजर आए क्या मेहताब उस्मानी साहब? मैडम पहली बात तो ये कि वो शिवलिंग है, अभी ये प्रूफ नहीं हुआ था। अरे छोड़ दीजिए ना, तो मैं उसमें जा ही नहीं रही हूं, कह के मैं जा ही नहीं रही हूं, वो ठीक है, वो ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं ना, मैं शिवलिंग ज्ञान व्यापी मस्जिद में नहीं जा रही हूं, मैं उसमें नहीं जा रही हूं, मैं कह रही हूं जैसे गुस्ताखे रसूल का मसला सामने आया वैसे ही गुस्ताखे शिव के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए। मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आप जिस मोबाइल फोन से इस वक्त मेरे पे बात कर रहे हैं उसी मोबाइल फोन पर ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहां पर मजाक उड़ाई गई होगी। लेकिन क्या हाथ में पत्थर लिए कहीं कोई नजर आया हिंदू? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।